किसी बार भी की विनर बन जाए तो, ताकि आगे कभी सोचे ना आने के लिए। अंकिता है, वो तो 17 साल से ही इस प्लेटफॉर्म पे है। विक्की तो पहली बार इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के आया ना, हम तो चाहते कि हमारा विक्की ही बन जाए, कब मिलेगा उसको ऐसा प्लेटफॉर्म। आते आते भी आंटी कुछ सुना के जाओ तो सुना के आए, फिर क्या करें। दिए बेचने वालों के यहाँ उजाला ना हो यह संभव नहीं। आपके हाथों में आए इस शो की ट्रॉफी, इससे बेहतर आपके लिए हमारे पास और कोई दुआ नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शीतल कावा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ है बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट विक्की जैन की मॉम। सबसे पहले, अब दूसरी बार बिग बॉस ने आपको मौका दिया है विक्की और अंकिता को मिलने, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस, क्या बातचीत हुई आपकी उनके साथ? बच्चों को समझाया जहाँ जहाँ वो गलत कर रहे हैं कि थोड़ा बातचीत का ध्यान रखो भाई, लड़ाई झगड़े में आप शब्दों का प्रयोग मत करो, ये तो समझा के आए हैं। अब देखो आगे क्या देखने मिलता है। और साथ ही में आप जैसे ही गए घर के अंदर, बहुत ही हंसी खुशी का माहौल हो गया। प्रोमो में भी देखा, सब लोग काफ़ी हंस रहे हैं, आपके आजू बाजू सभी लोग बैठे हैं। सो आपने कहा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो रही है, ऐसी बातें भी, अफवाहें भी फैल रही थी। सो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो अभी हम नहीं आ रहे थे, पर लोग कह रहे थे कि नहीं, बिग बॉस का ही कहना था कि उनकी मम्मा ही आएंगी, वो पढ़ लेते होंगे क्या है कैसा है। उनने कहा कि नहीं, उनकी मम्मा को ही बुलाओ, नहीं तो हमारी बड़ी बहू बेटी सब आने तैयार थे, पर बार बार खबर जा रही थी यहाँ से कि नहीं मम्मा ही चाहिए, इसीलिए हमें आना पड़ा। ओके, सो आप गए, बहुत ही मज़ा आया सभी को। और आपने क्या कुछ किया घर के अंदर, और किस किस के साथ आपने बॉन्डिंग बनाई? सब लोगों के साथ, जितने थे सब हमको अपने ही बच्चे लगे, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, सबके साथ बहुत मस्ती करी। रात में भी बैठे रहे वो लोग 3 बजे तक, है ना, किसी ने छोड़े ही नहीं। आते आते भी आंटी कुछ सुना के जाओ तो सुना के आए, फिर क्या करें। सो क्या सारी बातें हुई थोड़ा बताइए ऑडियंस को, तो मज़ा आ जाएगा। आखिरी के लिए कह रहे थे हम लोग के लिए कुछ बोल के जाओ, विनर होंगे तो। हमने कहा हाँ, दिए बेचने वालों के यहाँ उजाला ना हो यह संभव नहीं। आपके हाथों में आए इस शो की ट्रॉफी, इससे बेहतर आपके लिए हमारे पास और कोई दुआ नहीं। ओह, बहुत ही बढ़िया बात है, काफ़ी मज़ा आ रहेगा सभी कंटेस्टेंट को। और इसी के साथ, आप किसको एज अ विनर देखते हैं? अब हम तो चाहते कि हमारा विक्की ही बन जाए, कब मिलेगा उसको ऐसा प्लेटफॉर्म भाई। जो हीरो जैसे अंकिता है, वो तो 17 साल से ही इस प्लेटफॉर्म पे है। विक्की तो पहली बार इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के आया ना, और दोबारा आने के चांसेस भी कम है, बहुत नुकसान होता है, वो आ जाता है तो सारा बिजनेस चौपट हो जाता है, है ना। नहीं, इसीलिए तो हम चाहेंगे कि इसी बार विक्की विनर बन जाए तो, ताकि आगे कभी सोचे ना आने के लिए, है ना। पर ये ऑडियंस जब कहेगी तभी तो कुछ होगा, उसके तो फॉलोवर्स हैं ही नहीं ना, उसको तो लोग पहली बार ही देख रहे हैं ना, है ना। तो क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस जो है वो छोड़ के आए हैं, तो वापस से उनको जब जाएंगे हाथ में ट्रॉफी लेके, तो हम देखेंगे कि वापस से बहुत ही अच्छा बिजनेस संभाल रहे हैं वो। और इसी के साथ, क्या कुछ आपने कुछ खाना बनाया बच्चों के लिए, क्या बनाया और कैसा लगा सबको? पूड़ियाँ सेक के दी गरम गरम, बहुत अच्छे से खाई सबने, गोभी की सब्जी, पूड़ियाँ, सुबह पोहा बना, दाल राइस बना, आज दिन भर का खाना बना के रखाएं, बच्चों को कुछ नहीं करना होगा, सीधे प्लेट में निकाल के खाना है बस आज, नहीं तो वो रोज़ अपने हाथों से बनाते हैं। तो कहते हैं ना कि माँ की ममता जो है वो बहुत ही कमी महसूस हो रही थी उसकी, और आज वो पूरी हो चुकी है, बिकॉज आपने सब कुछ बना के दे दिया है वहाँ पे। सो क्या कहेंगे ऑडियंस को लास्टली, बिकॉज विक्की जैन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ऑल्सो अंकिता काफ़ी अच्छा कर रही है, सो उनके फैंस को क्या कहेंगे और कैसे उनको अच्छे से खेलना चाहिए? आप लोगों को, आप लोगों के प्रेम से ही, आपके सपोर्ट से ही वो लोग आगे आ पाएंगे। और हम कहना चाहते हैं कि विक्की जैसा है वैसा ही है, ना वो फेक है, ना वो कोई झूठा है, ना कुछ है, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत माइंडेड है, सारा बिजनेस वो ही संभालता है। आज वो छोड़ के आया तो उनके पिताजी और भाई संभाल रहे हैं, लेकिन अब वो कब आएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको समझें और वोट करें और आगे लाएँ। यस,
जरूर, हम जरूर उनको आगे लाएंगे, ऑडियंस बहुत ही पसंद कर रहे हैं दोनों की जोड़ी को भी और उनको भी. सो थैंक यू सो मच. एंड कैमरामैन अनंतों के साथ मैं शीतल कावा, E24 मुंबई.